को मिलकर के लड़ना है भाई साहब के नेतृत्व में, और मजबूती से इस सरकार को। पिछले दिनों जब रीट का पेपर आउट हुआ विधानसभा में, इन्होंने कानून बनाया, क्या बटा उस कानून का, कहां है वो कानून? एक दूसरे स्टेट की कॉपी किए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनसे? मैं दावे के साथ साथ इस बात को कह सकता हूं, जितने लोग यहां पर पे बैठे हैं, जिनके घरों में कोई जेईएन की परीक्षा दे रहा है, कोई मास्टर की परीक्षा दे रहा है, कोई सिपाही की परीक्षा दे रहा है, कोई और परीक्षा दे रहा है, सबके पास मतलब इतना गंदे तरीके से राजस्थान के अंदर ये गिरोह काम कर रहा है, सबके पास फोन आ रहे हैं, बताओ कल आपके बच्चे का एग्जाम है, इतने पैसे लगेंगे, मैं पास करवा दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको अपने को मिलकर के रोकना है, और इस सरकार को जो कानून बनाए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजबूर करना है, और नए मजबूत कानून बनाने के लिए मजबूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में किशन पॉल विधानसभा की मजबूत आवाज, भाई अब्दुल खान जी भी पहुंचे, उनका जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांगन बगरू से अध्यक्ष रामनिवास जी हरितवाल हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। धनजी बेनीवाल हमारे बीच में नागौर से पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अजमेर से जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी रावत से निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आए और अपना उद्बोधन और अपना वक्तव्य अति संक्षिप्त में हमारे बीच रखें। वक्ताओं की फहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है, इसलिए सारे वक्ताओं से निवेदन रहेगा कि आप अति संक्षिप्त में सार गंभीर अपनी बात को अपने बीच में रखें। अजमेर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी रावत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आधे की आवाज आ रही है, आधे की नहीं आ रही है। देखिए सबकी आवाज आनी चाहिए, हाथ उठा के। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। साथियों, जैसे आज आपको पता है, हम सभी यहाँ शहीद स्मारक पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि जो रीट का प्रकरण चल रहा है उसकी सीबीआई जांच सरकार नहीं कर रही है। इस सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए। कल मैं एक बड़ी खुशी की बात है कि सचिन पायलट का मैं एक भाषण सुन रहा था, और उन्होंने कम से कम इतना तो बोला है कि दलालों को छोड़ो और असली गिरोह को पकड़ो। तो उसको खुद को पता है कि उसकी कांग्रेस के सरकार के उसके नेता भ्रष्ट हैं, वो खुद कह रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार के कानों पे जूनी रह गई। इस सरकार को निकम्मी सरकार कहे, भ्रष्टाचारी सरकार कहे, रिश्वतखोर सरकार कहे तो कोई दोराय नहीं होगा। कल हमारे अजमेर के अंदर एक एसओजी की अधिकारी एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए पकड़ी गई। कितनी? 2 करोड़ रुपए की रिश्वत। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, सरकार तनख्वाह दे रही है और तुम 2-2 करोड़ की रिश्वत, किसी गरीब लोगों को भी नहीं ये बख्शते। तो ये देखिए, जो इतना बड़ा करप्शन का खेल है कितना बड़ा होगा। जो रीट के अंदर कोई बच्चे तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप पैसा लगाते हैं, और एक कुछ लालच के अंदर ये लोग पेपर को आउट कर देते हैं, उस माँ बाप का क्या होता होगा। अभी मैं अजमेर से जब आ रहा था तो अजमेर में हमारे डीएवी कॉलेज के पास मेरी गाड़ी की आज कहीं नंबर प्लेट गिर गई, तो किसी अपने ट्रैफिक पुलिस वाले भाई ने हाथ दिया, गाड़ी रुक गई, तो पूछा आपके ये चालान बनेगा? मैंने कहा भाई साहब बना दीजिए, कोई बात नहीं, पर मैं रैली में जा रहा हूँ जयपुर इस प्रकरण से। तो उसने बड़े भावुकता से कहा, भाई साहब आप जाओ, आपका कोई चालान नहीं बनाऊंगा, मेरा भाई 6 साल से कर रहा, मैं मेरी कमाई भी वहां लगा रहा हूँ, और ये देखिए रोज के रोज पेपर लीक हो जाते हैं, मेरे भाई की तो सगाई भी नहीं हो रही, सपने भी टूट गए, मेरी सारी कमाई चलेगी। उस माता पिता का, उस भाई का दर्द देखने लायक था, उनकी आंखों में आंसू थे। कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, और ये गैंग गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही। आज युवा साथी यहाँ इकट्ठे हुए, देखिए 23 जनवरी को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और ये छोटी छोटी मछलियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को विधानसभा में बिठाकर। अरे शर्म नहीं चाहिए गहलोत सरकार तुम्हें, कि तुम खुद बेईमान और भ्रष्टाचार हो चुके हो, और इन युवाओं के सपनों का तुम सरेआम कत्ल कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। हम बहुत जल्दी हमारे 20 जनवरी को अजमेर के अंदर भी विद्युत विभाग को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। मैं इस मंच के माध्यम से जहां से भी हमारे साथी आए हैं, मैं सबको वहां अजमेर आमंत्रित करता हूं। आप सभी साथी बड़ी संख्या में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू भाई साहब। हमारे बीच में सुल्तान जी देवेंदा आमेर से आरएलपी पंचायत समिति सदस्य आमेर रामपुरा बड़ी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सुभाष चौधरी भाई आमेर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। उपाध्यक्ष है तो युवा मोर्चा के कृष्ण मावलिया, विकास गोरा, संजय चौधरी आमेर से हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पंचायत समिति सदस्य मोतीराम जी बाजिया विधानसभा नवा से हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जेपी देवेंदा जी आमेर से, प्रकाश जी नटवाड़िया आमेर से पूर्व पंचायत समिति सदस्य हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सिक्कर से मजबूत आवाज भाई विकास जी पचार सबलपुरा हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गंगानगर से सलीम अली चौबदार जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भाई हरी जी नागा सिक्कर से हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे निवेदन है कि आप मंच की ओर प्रदान करें। थैंक यू भाई साहब। और अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक बहुत मजबूत आवाज संजना चौधरी से निवेदन रहेगा कि आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अप जाए। आप सभी को राम राम, मेरे बड़ों को प्रणाम। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो ये सब चल रहा है राजस्थान में पेपर लीक का मामला, तो आपको पता है कि एक विद्यार्थी एक सपना देखता है लाइफ में कुछ बनने का, तो एक हत्या होती है, हत्या से भी बड़ी हत्या होती है किसी के सपनों की हत्या करना। एक विद्यार्थी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा होता है, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब लोग एक साथ एकजुट होके उस चीज का साथ दे रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं, और एकजुट होके हम एक मजबूत आवाज बनेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के साथ। हमें पता है कि जब तक राजस्थान का युवा, एक एक युवा हनुमान नहीं बनेगा, तब तक राजस्थान में यूं ही ये सब चलता रहेगा, हत्याएं, भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले। और कुछ ही दिनों में ये मुझे ये जो सब चल रहा है इससे लगता नहीं है कि राजस्थान भी यूपी की तरह क्राइम में भी आगे आ जाएगा, पेपर लीक मामले, ये जो सब चीजें चल रही है इस चीज के लिए युवा शक्ति को, एक एक युवा शक्ति को भगत सिंह बनना पड़ेगा। और हम लोग जो सरकार बनाते हैं वो सरकार गिराना भी जानते हैं, तो आप सब लोग एकजुट होकर इस चीज में बढ़ चढ़ कर भाग लें और आगे भी इन मुद्दों पर चलते रहेंगे। अगर हम लोग आज मजबूती से अपनी बात को नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में भी ये सब चीजें यूं ही चलती रहेगी। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच में चाकसुफागी से भाई बाबूजी रेडा प्रदेश मंत्री आरएलपी और पूरी अपनी टीम के साथ में पहुंचे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोपाल जी नासवाना अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र फुलेरा हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजेंद्र प्राणा जी, ओम प्रकाश हाथी, बाबू रेड़ा जी, राजेंद्र प्राणा टोंक जिलाध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे, आप सभी का अपने सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजेंद्र प्राणा जी और बाबू रेड़ा जी मंच पे पधारे। संदीप चौधरी युवा मोर्चा ब्लॉक महामंत्री आमेर हमारे बीच में पहुंचे, उनका स्वागत। लेखराज रोनारिया जी, राजू सोड और सोन चौधरी जी आमेर से हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश जी लांबा साहब हमारे बीच में पधारे, उनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन, आपको आमंत्रित करता हूं मंच पे। साथ में युवा मोर्चा अजमेर के जिलाध्यक्ष भाई अमरचंद जी भी हमारे बीच में बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और आमेर विधानसभा से एक बहुत मजबूत आवाज भाई कमलेश जी चौधरी से निवेदन रहेगा कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें, थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखें। एक नारा लगाएंगे जोर से, जय जवान जय जवान। साथियों, जिस प्रकार से प्रदेश में आए दिन पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने पेपर लीक करने के मामले में महारती हासिल कर ली है। चार साल बीत जाने के बाद युवाओं को इंतजार था कि हर बार भर्ती में पेपर लीक होते हैं, इस बार तो सरकार ठोस कानून बनाएगी और जो पेपर लीक होते हैं उन माफियाओं को जेल भेजेगी।
लेकिन इनके सारे के सारे मंत्री पेपर लीक के मामले में दोषी हैं, जो कहीं ना कहीं नकारा सरकार को और संकेत करते हैं। साथियों, प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युवाओं के ऊपर कुटाराघात हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इसके बड़े लीडर हैं। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तब यहाँ के युवाओं ने आंदोलन शुरू किया था, तब सरकार ने अपनी तानाशाही रवैया दिखाकर उन युवाओं को जाने से रोका और कहा कि आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप काला झंडा नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनकी सरकार है और जो सरकार में बैठे हैं उनके पास पावर होता है। पावर दो ही लोगों के पास होता है, या तो जनता की ताकत से सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत से किसानों और जवानों का भला कर दो। जो सरकार की ताकत तो अपने पास है नहीं और कलम की ताकत अपने पास है, इस कलम जनता की ताकत अपने पास है, तो जितना बड़ा आंदोलन हम अपन मजबूत करेंगे तब जाके सरकार झुकेगी। और 2023 के चुनाव नजदीक हैं, जिस प्रकार से बरसाती मेंढक बाहर निकलकर अपना जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, बीजेपी को भला नहीं करते कर सकती। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कौन सा आक्रोश निकाल रही है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष खुद की विधानसभा में उनका विरोध हो रहा है। आप जाके देख लो आमेर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव और प्रत्येक गली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का विरोध हो रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 साल से वो खुद लापता थे, मिलजुल कर माल बटोरने में बिजी थे, और अब जैसे ही चुनाव आ गए उनको याद आ गई कि आमेर की जनता भी उनको उन्होंने चुना था। लेकिन अब जिस प्रकार से युवाओं के ऊपर कुटाराघात हो रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल बनकर इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई लड़ेगा। आपको याद रखना होगा कि हनुमान बेनीवाल खुद के लिए नहीं लड़ रहा, वो किसानों और जवानों के लिए लड़ रहा है। जब मोदी सरकार ने काले कानून लाए थे, तभी राजस्थान के एक ही शख्स थे जिसने कृषि कानून को विरोध किया था, और जब अग्निवीर आई थी तब एक ही सांसद था पूरे भारत में जिसने अग्निवीर का विरोध किया था। साथियों, आने वाले समय में हम सबको मजबूत होकर इस गूंगी बेरी सरकार को झुकाना है, और जो पेपर लीक का मामला है इसमें दबाव बनाकर सीबीआई जांच अगर अच्छी तरह से हो जाएगी तो बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आएंगे, और हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम इसमें शामिल हो। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी परिवार जिस प्रकार से मुझे निर्देश देती है, मैं उस प्रकार से आगे भी अपनी सेवाएं देता रहूंगा, पूर्ण निष्ठा से इस पार्टी के लिए वफादार रहूंगा। धन्यवाद। जय हनुमान, जय राजस्थान, जय आरएलबी। हमारे बीच में सीकर से जिलाध्यक्ष बड़े भाई महेंद्र जी डोरवाल साहब पधारे हैं पूरे दलबल के साथ में, जोरदार तालियों के साथ में महेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। आपको मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। उनके साथ में झुंझुनू के जिलाध्यक्ष फौजी साहब राजेंद्र जी फौजी साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ में हरपुल दहेल और शिषपाल हेत्रा जी आमेर से बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है उनका भी। महेंद्र जी और राजेंद्र जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला प्रवक्ता जयपुर से राजेश जी बुनकर से निवेदन रहेगा कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। राजेश जी बुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अति संक्षिप्त मुझे 60 सेकंड का वक्त मिला है, और इस 60 सेकंड में मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। देखिए, ये युवा है और काफी समय से किराए के मकान लेकर के, कमरे लेकर के, एक टाइम का खाना खा करके, और 24 घंटे 12 घंटे अपनी मेहनत पढ़ाई में लगाते हैं ध्यान, और उस पर जब ये एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है या आउट हो गया है। दोस्तों, मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गहलोत सरकार थोड़ा संभल करके रहे, हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा आप तक पहुंचने का, और अगर मेरी बात में अगर दम ना हो तो कहना चाहूंगा कि हवाओं से लिपट कर आएगा और तूफानों से लड़ कर आएगा। चट्टाने भी रोक सके, रास्ता तो रोक कर दिखाए।
हनुमान बेनीवाल सीना ठोक कर आएगा। आपको मैं कहना चाहूंगा कि अपनी दीवारें इतनी ऊंची कर लो, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और उसकी सेना किसी से कमजोर नहीं है। कमजोरी से मुझे याद आया कि अपने दिमाग में अगर कोई शंका है तो निकाल लो, क्योंकि मत रखो दिमाग में शंका। देखिए कांग्रेस बीजेपी के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, मैं कहना चाहूंगा कि पहुंचा देना अपने आकाओं तक अपनी बात, कि मत रखो दिमाग में कोई शंका। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में बज रखा है पूरे राजस्थान में डंका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। थैंक यू। अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा दीपचंद जी नटवाड़िया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जयपुर के जिला मंत्री हैं। आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। एक बार आप सभी मेरा साथ देके एक बड़ा सारा जयकारा लगाएंगे। बोलिए वीर तेलाजी महाराज की, हनुमान बेनीवाल। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपालगढ़ से विधायक आदरणीय पुखराज जी गर्ग साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष जयपुर जिलाध्यक्ष शंकर जी नारोलिया और तमाम राजस्थान से पधारे पार्टी के आला पदाधिकारियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस जयपुर की धरा पे। मैं मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी को आपने संक्षिप्त भाषण में बता दिया कि हम यहाँ इकट्ठा किस विजन से हुए हैं, किस उद्देश्य से हुए हैं। हमें जिस तरह राजस्थान सरकार अपने 4 साल पूरे होने की जश्न मना रही है, उस यार्ड में राजस्थान सरकार पेपर लीक करवाकर यहाँ के युवाओं के साथ कुटाराघात कर रही है, और इन युवाओं का साथ दे रहा है तो मात्र एक नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल साथ दे रहा है। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक ही बात कहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू तकार कर मत बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों। हेलो, थैंक यू। हमारे बीच में हनुमानगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय सिंह जी बेनीवाल पहुंचे, उनका भी जोरदार हार्दिक स्वागत जोरदार तालियों के साथ में। इकाई भरतपुर से महेश सिंह सिंहवार भी पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और दुदू विधानसभा से एक बहुत मजबूत आवाज भाई कमल जी चौधरी से निवेदन रहेगा कि वो आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। अरे मेरे पेज पे भाई लाइव चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। सभी दूर दराज से पधारे, जयपुर ग्रामीण अंचल से पधारे मेरे युवा साथियों, और मंच पर पार्टी की अग्रिम पंक्ति के बैठे नेताओं का जयपुर के पावन धरा पर इस कमल चौधरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। एक बार एक जोरदार नारा लगाना, भारत माता के, मजो को नहीं जोरदार लगाओ जी, भारत माता के, हनुमान बेनीवाल। आज रूबर आई मेरी ये देख के कि पार्टी का जो पहली बार जयपुर में व्यवस्थित तरीके से मंच संचालन के रूप में पहला प्रोग्राम देखने को मिला है, सभी साथियों के लिए खुशी की बात भी है। और बीजेपी कांग्रेस से तो बड़ा है ही, लेकिन आरएलपी का यही नहीं था, इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ आनी चाहिए थी। आज हर कार्यकर्ता ये सोच के शर्मिंदा है। ऐसे जिस प्रकार से सभी कार्यकर्ता अब की बार मेहनत करके भीड़ लाए, अगली बार आगे भी ध्यान रखना। सब वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सारी चीज समझा रहे हैं। मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता, इतना बड़ा नेता नहीं हूं जो आपके बीच में इतना लंबा भाषण दे सकूं। मैं आपका बारंबार धन्यवाद। जिस प्रकार शोषित पीड़ित गरीब के लिए हनुमान जी बेनीवाल लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार 6 कार्यकर्ता को हनुमान बेनीवाल बन के 2023 तक अपने सबको इस मंजिल मिशन के लिए लगना है, तभी हमारी नैया पार हो पाएगी। इस तरीके से जो पिछले 4 साल से ढीला बन के बैठे थे, उस तरीके से रहेंगे तो अपना सक्सेस सफल नहीं होगा मिशन के लिए। सभी कार्यकर्ताओं को बारंबार धन्यवाद, और आगे भी आप पार्टी का नेतृत्व मिले, मेरे नेतृत्व में आओ, चाहे किसी के भी नेतृत्व